अभी आपने स्क्रीन पर जो वीडियो देखा जिसमें एक लड़की को कई लोग घेरे हुए हैं और उसे परेशान कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये यूपी के आगरा का है, जहां पे एक हस्बैंड अपनी बीवी को किसी और के साथ यानी उसके बॉयफ्रेंड के साथ रूम में होटल के एक रूम में पकड़ लेता है। बात दरअसल ये है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जो आपस में उनकी शादी होती है और कई साल से एक साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ महीने से उनके दरमियान कुछ मामला चल रहा था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, यानी बातचीत बंद था, सिर्फ एक साथ रहते थे। तो आपको बता दें कि वो जो लड़की थी वो किसी लड़के से बाहर मिलती थी, बात करती थी, और इसी का शक उसके हस्बैंड को कई दिनों से था, लेकिन उसके पास कोई सबूत ना होने के कारण वो किसी को कुछ बोल नहीं पाता था। तो उसने किया कि उसने अपनी बीबी पर नज़र रखना शुरू किया, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, नहीं करती है, किससे मिलती है, इन सब की जानकारी वो अपने पास रखने लगा और उसका पीछा करने लगा वो जहाँ भी जाती थी। अब हुआ ये कि वो लड़की जो थी वो अपने घर में बोल के जाती है कि मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ। उसका हस्बैंड को मालूम चलता है कि वो कहीं जाने वाली है, तो वो उसका पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो उसकी बीवी जाने लगती है तो वो भी चुपके उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि उसकी जो बीवी है वो एक होटल के होटल में जाती है, तो वो भी उसके पीछे जाता है, और उसके बाद देखता है कि वो एक कमरे में गई है, तो वो वहाँ रुक कर अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उसे बुलाता है और कहता है कि जब वो उसका दोस्त वहाँ आता है तो उसे कहता है कि तुम कैमरा ऑन करो और वीडियो बनाओ। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी जो बीवी थी वो किसी और लड़के के साथ बेड पर थी। उसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसकी बीवी जो है वो अपने हस्बैंड को जब देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि ये क्या हो गया। वो घबरा जाती है, उसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है उसे मारता है, उसके साथ जो लड़का था उसे भी घसीट कर बाहर लाता है, उसे भी मारता पीटता है। वहीं पे उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, मामले की जांच करती है। जब तक आते आते पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, और जो लड़की का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो कमरे में पकड़ी गई थी उसे पब्लिक मिलकर मारती है, और उसका जो हस्बैंड था वो भी मारने लगता है। आपको बता दें कि जब उसका हस्बैंड पुलिस को फ़ोन करता है तो पुलिस मौके पर आती है, दोनों को लड़की और उसके साथ जो लड़का था उन दोनों को पकड़ लेती है, उसके बाद पूछताछ करती है, उसके बाद उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, और उसकी बीवी का जो मामला था वो घर वाले ये बोलकर उठा देते हैं कि ये हमारा आपसी मामला है, हम इसे अपने घर में समेट लेंगे और अपने बात करके बात को क्लियर कर लेंगे, और उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि जब लड़की या लड़के घर वालों ने बोला कि ये हमारा आपसी मामला है, हम इसे घर में सुलझा लेंगे, घर में बात करके इसको क्लियर कर लेंगे, तो पुलिस वालों ने अपने हाथ पीछे कर लिए और उन लोगों को छोड़ दिया कि आप लोग अपना अपने फैमिली में बात करके इस बात को क्लियर कर लीजिए, और पुलिस वहाँ से उस लड़के को लेकर चली जाती है, उसे जेल हो जाती है।